विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पटना सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्हें भूतनाथ स्थित अमरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आतंकी लोगों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करे, साथ ही देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए युवाओं को रोजगार दे। इसके लिए राज्य और केंद्र में खाली 1 करोड़ पदों को भरने के लिए सरकारी नौकरियों का प्रावधान करे। सरकार अगर युवाओं को रोजगार देने में कोताही बरतती है तो इसके लिए विदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। सरकार को देश के आर्थिक नीतियों में जल्द परिवर्तन करना होगा, नहीं तो जनता का आक्रोश सामने आए तो जयप्रकाश नारायण की क्रांति की तरह आर्थिक विषय पे भी देश में क्रांति होगी। तो नहीं करूंगा, परंतु इमरजेंसी मानकर सरकार को नीतियों में, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, वरना देश बहुत गंभीर परिस्थिति और उनमें से आक्रोश निकला तो जय प्रकाश नारायण की क्रांति हुई ना, उनका पुनरावर्तन हो सकता है। वह लोकतंत्र की थी, यह आर्थिक विषय पर होगी। आपकी क्या सुझाव है केंद्र सरकार को? तत्काल इंडस्ट्रीज के लोग, मजदूर, किसान और पार्लियामेंट के लोग मिलकर आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन करें, ताकि महंगाई कम हो, रोजगार मिले।